मैं एक सिंपल सा हल बता देता हूँ किसकी जिम्मेदारी है। वो इकबाल का शेर था, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अब यहाँ पे बात जो आती है, हर बाप की ये ख्वाहिश है कि उसके बेटे के अंदर, उसके बच्चों के अंदर आदाब फर्जंदी इस्माइल अलैहिस्सलाम वाले आ जाए। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी अब्बा जी, जी अब्बा। लेकिन बाप अपने अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला ईमान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला जज्बा, भरोसा, तवक्कल वो नहीं लेके आ, वो सालेपन वो नहीं लेके आ। लेकिन वो ये चाह रहा है कि उसके बेटे में इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी अदाब फर्जंदी आ जाए। यहाँ मकतब तब भी एक साइड पे हो गया, यहाँ मकतब की करामत भी एक साइड पे होगी, यहाँ फैजान नजर भी एक साइड पे हो गया, यहाँ बाप पे बात आ गई, यहाँ घर के माहौल पे बात आ गई। कि जब आप अपने आप को उस मयार पर ले आएंगे, आपके बच्चे खुद ब खुद उसी मयार में आ जाएंगे।